बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 64 के बारे में। आज की डेट क्या है? 7/9/2021। रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स, एक्सटेंडिंग पैटर्न इन सिंपल शेप्स, इसके बारे में आज हम लोग करेंगे बात। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि हमारे चैनल पर जो है लास्ट वीक का जो विनर थे उनको जो गिफ्ट दिया गया, उन्होंने अनबॉक्सिंग की वीडियो भेजी थी, यानी कि उसको जो है ओपन करा था उन्होंने, तो उसकी वीडियो भेजी थी, तो उसकी वीडियो हमने पब्लिश की है। अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इस बार फिर से विनर अनाउंस किया जाएगा। इस वीक वापस से जो कॉन्टेस्ट है वो ओपन है। अगर आप चाहो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया। चित्र पहली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है, परंतु दोनों चित्रों में कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है। और क्या है, आप इन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा करें। तो चलो देखते हैं इनमें क्या गलतियाँ हैं बच्चों। पहली गलती आपको यहाँ पर ये नज़र आएगी, यहाँ पर ये पूँछ है नीचे की तरफ मुँह, और इसका क्या है ऊपर की तरफ। इसके बाद आप इस मंकी का मुँह देखो तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, दो सर्कल दिखेंगे, यहाँ पर कोई भी दो सर्कल नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक पत्ती ज़्यादा है और यहाँ पर एक पत्ती क्या है कम है। यहाँ पर इसके बाल देखिएगा बच्चों, इस जगह पर, ठीक है, ये बाल हैं यहाँ पर तीन और यहाँ पर बालों की संख्या है दो। तो ये क्या हो गई, आपकी चार गलतियाँ हो गई जिन्हें मैंने आपको ढूंढ दिया है, ठीक है। अपनी अध्यापिका के साथ क्या करिएगा, इनको साझा करिएगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों क्या बोला गया है। छपाई का काम, अब हमें क्या दिया गया, छपाई का काम दिया गया है। सुरेश जी की एक प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पर वह कागज पर छपाई की जाती है। कुछ दिनों पहले उन्होंने सादे कागजों के बॉर्डर पर छपाई करने का ऑर्डर मिला। सुरेश जी ने अपने बेटे को अलग अलग प्रकार के बॉर्डर को प्रिंट करने बनाने के लिए कहा। उनके बेटे ने नीचे दिए गए बॉर्डर के पैटर्न को बनाया। आप भी इनको अपनी कॉपी में क्या करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इनको आगे बढ़ाना है। तो बच्चों आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ प्रिंट आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। ये जो प्रिंट है इनको आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे और यहाँ आगे बढ़ाओगे, ठीक है। आगे क्या करोगे, बढ़ाओगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है बच्चों, एक फूल है, फिर एक पत्ती ऊपर की ओर है, एक पत्ती नीचे की ओर है, फिर एक फूल है, फिर एक पत्ती ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। इसके मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, अगला पैटर्न और आगे का इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पर आप बनाओगे एक फूल, ठीक है, फूल बना लेना। और इसके बाद क्या करना, एक पत्ती ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या करोगे, एक पत्ती क्या कर दोगे आप, नीचे की ओर बना दोगे, क्या करोगे, एक पत्ती इसमें नीचे की ओर बना दोगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद एक फूल आ जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक पत्ती ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैटर्न को क्या करना, आप आगे बढ़ा देना यहाँ तक। इसके बाद देखो बच्चों क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया एक सितारा एक चाँद, एक सितारा एक चाँद। तो इसी तरीके से आप भी क्या करोगे, अब चाँद आ चुका है, इसके बाद क्या लगाओगे बच्चों, आप करोगे सितारा बनाओगे, ठीक है, क्या करोगे इसमें बच्चों, एक सितारा बना दोगे। सितारा कैसे बनेगा आपका, देखो इस तरीके से आप बना देना, ठीक है, इस तरीके से सितारा बनाना। फिर इस जगह पे क्या करना बच्चों, चांद बनाना। फिर आगे क्या करना, फिर अगले पैटर्न में यहां पर फिर से वापस से सितारा बनाना बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर चांद बना देना। फिर क्या करोगे, यहाँ पर भी एक सितारा बना दोगे बच्चों, ठीक है। और आगे फिर आपको कुछ दिया नहीं गया, इसलिए आप नहीं बनाओगे। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, दो डायमंड हैं और एक सर्किल है, दो डायमंड है, एक सर्किल है, दो डायमंड है। तो आप यही काम करोगे बच्चों, ठीक है, दो डायमंड बनाओ यहाँ पर, फिर दो डायमंड बना के एक सर्किल बना दो, फिर यहाँ पर बच्चों दो डायमंड बना देना, ठीक, और फिर एक सर्किल बना देना। यहाँ पर क्या दिया गया, दिल दिया गया ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, ठीक है। फिर आप क्या करो, इस तरीके से नीचे की ओर, फिर बच्चों ऊपर की ओर बना दो, ठीक है। फिर क्या करो, यहाँ पर ऊपर की ओर बनाओ दिल, और फिर यहाँ पर क्या करो, नीचे की ओर, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर बना दो, इस तरीके से। इसको भी आप क्या कर लोगे बच्चों, पूरा कर लोगे। फिर यहाँ पर क्या है, एक त्रिकोण ऊपर, एक त्रिकोण नीचे, एक त्रिकोण ऊपर, एक त्रिकोण नीचे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्या करोगे, बनाओगे। फिर आगे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है,
एक डिब्बे में आपको इस तरीके से की आकृति है, फिर एक में सर्किल है, फिर ऐसे है, फिर सर्किल है। तो इसी तरीके से बच्चों आप भी क्या कर लोगे, बनाओगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके की एक आकृति बना लोगे, फिर क्या करोगे ऐसे ही कर इसके अंदर सर्किल बना दोगे, फिर ऐसे ही कर बच्चों क्या करना आप ऐसी आकृति बनाना, फिर उसके बाद एक डिब्बा बनाना उसमें सर्किल बना देना, फिर उसके बाद क्या करना आप ऐसी आकृति बना देना, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको दिखेगा एक फ्लावर में पत्ती नीचे की ओर है, एक फ्लावर बनाया गया उसमें पत्ती ऊपर की ओर है, तो इस तरीके से आप बना लेना एक फ्लावर में नीचे ऊपर, तो यहाँ पत्ती अब कौन सी आएगी बच्चों, यहाँ पत्ती आ जाएगी फूल में नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पत्ती फिर ऊपर की ओर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, इस तरीके से आप क्या करना है इसको पूरा करके बना लेना। आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, धन्यवाद बच्चों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।